Okay students, so let's carry on with the topic we are talking about. We're talking about the VSEPR theory और table 6.4 आपकी book में है, इसमें shapes of molecule के बारे में वो explain कर रहे हैं. तो let's talk about AB2 first. अब AB2 का क्या मतलब है? A is basically the polyvalent atom or the central atom और उसके गिर्द जो हैं वो दो atoms occupy अपने आप को करके बैठे हुए हैं. So we just can say that कि इसमें electron pairs जो हैं वो दो हैं, right? Let's say that इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दो हैं. और let's say that इसमें बॉन्ड पेयर जो हैं वो दो हैं और लॉन पेयर नहीं है. ठीक है, let's say that इसमें बॉन्ड पेयर जो हैं वो दो हैं और लॉन पेयर नहीं है. तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होगी वो लीनियर होगी, ये आपने याद रखनी है बात. ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी? चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अरेंजमेंट का हेडिंग भी लगा देते हैं. अरेंजमेंट जो होगी वो क्या होगी? लीनियर. ये सब बच्चों को याद रखना चाहिए. अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो बेसिकली ये बात है. लीनियर का मतलब है कि इसमें चूंकि कोई लोन पेयर नहीं है इस मॉलिक्यूल में, तो इसको लीनियर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि the structure will not be hesitated with the help of lone pairs. क्योंकि आपको पता है कि लॉन पेयर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं. तो अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही होंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सिर्फ बॉन्ड पेयर की शक्ल में ही होंगे, तो स्ट्रक्चर बड़ा स्मूथ और स्ट्रेट रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको एग्जांपल कोड करता हूँ. लेट्स से दैट बेरिलियम क्लोराइड. अब आपको पता है बेरिलियम क्लोराइड जो है वो दो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है. तो यू कैन से दैट जो बेरिलियम क्लोराइड है, I'm just taking this place to explain you. बेरिलियम जो है वो अब क्या है? सेंट्रल एटम है. बेरिलियम क्या है? वो सेंट्रल एटम है, right? बेरिलियम जो है वो क्या है? सेंट्रल एटम है. और उसके इर्द गिर्द जो है वो किसने अपने आप को ऑक्यूपाई करवाया हुआ है? क्लोरीन ने. तो यू कैन से दैट कि यहाँ पर अब बेरिलियम के पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स थे और उसने वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ शेयर करवा दिए. Look at that. अब देखें, ये है बॉन्ड पेयर और ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर. इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स? ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है. सो टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट? टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड उनको हम टू बॉन्ड पेयर्स भी कह सकते हैं. एंड देयर इज नो लोन पेयर, राइट? नो लोन पेयर. अब लोन पेयर क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है जो कि जो शेयर्ड ना हो, यू नो. तो ये सारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों शेयर्ड. तो यू कैन जस्ट टेक दिस एग्जांपल, राइट? सो वी कैन जस्ट से दैट दैट इज अ गुड एग्जांपल फॉर इट. एंड फॉर AB2, A इज बेरिलियम एंड Cl2 इज B2, राइट? एंड इसमें लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो हैं और बॉन्ड पेयर भी दो है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस इज मर्क्यूरियस क्लोराइड, राइट? मर्क्यूरियस क्लोराइड इन द सेम केस AB2 की एग्जाम्पल में हिट होगा. इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं होता, दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं. ठीक है, सो उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो लीनियर है. ये देखें, अगर हमने भी जो पीछे स्ट्रक्चर बनाया था ये लीनियर स्ट्रक्चर था. लीनियर स्ट्रक्चर मीन सम हाउ स्ट्रेट, राइट? दैट वाज अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर. अब इसमें जो एंगल है, देखें आप एंगल को भी ज़रा गौर कर लें. एंगल जो है दैट इज़ 180 डिग्री, राइट? एंगल क्या है? 180 डिग्री. इट्स नॉट सेंटीग्रेड. सो 180 डिग्री यहाँ पर इसका एंगल है. सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू मेंशन इन आवर माइंड. इसके अलावा आप एक और एग्जांपल कोट कर सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की. आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम क्लोराइड को. तो मैग्नीशियम क्लोराइड के भी कितना डिस्टेंस होगा, एंगल होगा? That will be 180 degree. That was explained by Sir Dwight and Powell in 1940. So that is what we know. That is what we want to learn. इसके अलावा strontium chloride जैसे examples आप देख सकते हैं book में. Cadmium chloride जैसे examples हैं और mercurius chloride जो मैंने आपको बता दिया है. इसमें आपने जो बात याद रखनी है AB2 में कि इनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है. अगर इसमें lone pair होता ही नहीं है, सिर्फ bond pairs होते हैं. और 180 is the angle जहाँ पर क्लोरीन लाई कर रहा है. ठीक है, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड, राइट? लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन द VSEPR थ्योरी. Let's take an example of AB3 now, right? अब sent polyvalent एक atom उसके गिर तीन atoms लगे हुए हैं. So let's say that कि अब total electron pairs तीन हैं, ठीक है? Total electron pairs जो हैं वो कितने हैं? तीन हैं. तो उसमें bond pair कितने हैं, lone pair कितने हैं? अब ऐसा करें first example में आप तीनों bond pair कर लें, lone pair कोई रखे ही ना इसमें, ठीक है? So bond pair कितने हैं? तीन, और lone pair अब नहीं है. तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इस तरह की अरेंजमेंट को हम ट्राइगोनल प्लानर बोलेंगे, ठीक है? व्हाट डू वी कॉल दिस? ट्राइगोनल प्लानर, राइट? ट्राइगोनल प्लानर इसकी एग्जांपल होगी. अब इसमें आप देख सकते हैं कि कोई इसमें लॉन पेयर नहीं है और बॉन्ड पेयर है. इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड को, ठीक है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को, ठीक है. इसमें आप किसको कोड कर सकते हैं AB3 में, जिसमें तीनों बॉन्ड पेयर हैं? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को ले सकते हैं. एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में जो है वो कोई लॉन पेयर नहीं होता, तीनों बॉन्ड पेयर ही होते हैं. इसके अलावा बोरॉन ट्राइहाइड्राइड को आप ले सकते हैं, और इसके अलावा बोरॉन ट्राइहाइड्राइड के अलावा आप ले सकते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को, ठीक है. इसको थोड़ा सा देख लें ये कैसे पॉसिबल है, इसमें लॉन पेयर नहीं है. एवरीबडी नोज कि एल्यूमिनियम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं? क्लोरीन ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं. और लुक एट दैट, इट्स क्लोरीन. और इसमें जो है अब आप कह सकते हैं कि तीनों जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, राइट? यू कैन जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस. दैट्स द रॉन्ग वे वी आर ड्रॉइंग इट. एल्यूमिनियम इज द सेंट्रल एटम, राइट? व्हाट यू कैन से इज लाइक दैट, यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस, लाइक दिस. यानी यू कैन से दैट कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम का, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और क्लोरीन है जब इससे बॉन्डेड क्लोरीन है, राइट? लेट्स मेक क्लोरीन विद द ब्लैक. और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? वी गॉट 7 इलेक्ट्रॉन्स विद द क्लोरीन. सो ये बॉन्डेड है, ठीक है? लाइक एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड नहीं है, ठीक है? सो लेट्स जस्ट मेक अनदर वन हियर. एवरीबडी नोज के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन में. तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये जो एंगल आ रहा है ना, ये जो क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान एंगल आ रहा है, अब इसको हमने क्या बोलना है? ट्राइगोनल प्लानर बोलना है इसको हमने, ठीक है? व्हाट वी गोना कॉल इट? ट्राइगोनल प्लानर. तो ट्राइगोनल प्लानर कैसे होगा? जब ये एंगल होगा 120 का, ठीक है? 120 ईच. ये भी 120 का एंगल होगा, ठीक है? 120 का एंगल होगा ये भी, और ये भी एंगल कितना होगा? 120 का. अब देखें तीनों तरफ जो है 120 का एंगल होगा, तो 120 के एंगल को आप बोलेंगे ट्राइगोनल प्लानर. इसी तरह से आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हिट कर देते हैं? बोरॉन हिट कर देते हैं. लेट्स ड्रॉ द बोरॉन, बोरॉन, और साइड पे बोरॉन के साथ क्लोराइड हो सकते हैं, और अगर क्लोराइड नहीं है तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है? फ्लोरीन लगा देते हैं, फ्लोरीन, राइट? सो दैट कुड बी द एग्जाम्पल फॉर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. तो बोरॉन ट्राई, अब देखिए इसमें कोई लोन पेयर नज़र नहीं आ रहा है. ये भी बॉन्ड पेयर है, ठीक है? ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर है. कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 3 बॉन्ड पेयर हो गए ना. इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. ये देखें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3. और कितने हैं बॉन्ड पेयर? कितने हैं? 3 है बॉन्ड पेयर, ठीक है? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3. और इसमें आपको कोई लोन पेयर नज़र आ रहा है? कोई लोन पेयर नज़र नहीं आ रहा. तो लोन पेयर क्या है? 0. देयर इज़ नो लोन पेयर. सो यू कैन जस्ट ड्रॉ 0 हियर. You can just write 0 here. So there is no lone pair, and that could be a better example. So aluminium trichloride, boron trihydride, and boron trifluoride. ये examples हो जाएंगी आपकी AB3 की. AB3 क्योंकि एक polyvalent atom है. ये देखें central atom क्या है? aluminium. यहाँ पे A को आप B कह सकते हैं, यहाँ को A को आप B कह सकते हैं, और ये B3 है, यानी इसके साथ A के साथ 3 atoms लगे हुए हैं. ये 3 atoms chlorine के हैं, ये 3 atoms hydrogen के हैं, 3 atoms fluorine के हैं. So that's the theory. राइट, सो लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल. अब हम क्या करेंगे? अब एक लोन पेयर को ले आएंगे. अब आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर की थ्योरी थी, और स्पेस इक्वली शेयर्ड थी. तो हमने एक पॉस्टुलेट में पढ़ा था कि अगर बॉन्ड पेयर होगा तो स्पेस जो है वो इक्वली शेयर्ड होगी. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ Ab3 once again. अब इसमें Ab3 में क्या होगा कि हम टू बीज को एटम लेंगे और एक बी को हम लोन पेयर ले लेंगे, ठीक है. सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 ही होंगे, लेकिन बॉन्ड पेयर 2 होंगे और लोन पेयर जो है वो 1 होगा. तो बॉन्ड पेयर अगर 2 और लोन पेयर 1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए. सो यू कैन से दैट कि बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 2 हैं, ठीक है, और लॉन पेयर कितने हैं? लॉन पेयर जो है अब 1 है, राइट. अब इसका स्ट्रक्चर भी जो है साइंसजन कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर ही होगा, ठीक है. तो अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड नो द एग्जांपल्स के अब Ab3 में अगर एक बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर आ जाए और एक लॉन पेयर है तो एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं. सो दैट्स अ बिग थिंग. तो इसमें आप ले सकते हैं, यू कैन से दैट इसमें आप ले सकते हैं टिन क्लोराइड ले सकते हैं और इसके अलावा आप सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है. टिन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा, ठीक है. टिन क्लोराइड, ओके, आई विल जस्ट मेक इट विद द ब्लैक. टिन क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. सो दैट्स द अनदर मॉलिक्यूल, राइट. अब इसमें यू कैन से दैट कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसका तो टोटली ट्राइगोनल प्लानर है, राइट. लेकिन इसका भी ट्राइगोनल प्लानर ही है, ठीक है. इनका स्ट्रक्चर भी ट्राइगोनल प्लानर ही है, लेकिन थोड़ा सा बेंट होगा. बेंट क्यों होगा? क्योंकि यू नो दैट लॉन पेयर ने ज़्यादा ऑक्यूपाई करनी है जगह. सो यू कैन से दैट कि इसका जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी ट्राइगोनल प्लानर. ट्राइगोनल प्लानर जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी किया. और अब इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज bent angular, right? Yeah, you can say that bent trigonal planar, but you can use the word bent angular as well. Okay, bent angular. So you can just say that ke you are using the word bent or angular for this structure for tin chloride, and let's just make the example of it. Let's just say that कि अब हमारे पास सेंट्रल एटम जो है उसके गिर्द जो है वो एक लॉन पेयर है और ये क्या है? बॉन्ड पेयर है, ठीक है. अब देखें टोटल पेयर्स कितने हो गए. ये क्या है? लॉन पेयर. और ये क्या है? बॉन्ड पेयर, ठीक है. और अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 3. देखें इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हैं. अब बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर्स हैं. और लॉन पेयर कितने हैं? 1 लॉन पेयर है. सो वी कैन से इट एज अ बेंट स्ट्रक्चर, बेंट, और वी कैन से दैट एज अ एंगुलर, राइट. वी कैन से दैट एज अ एंगुलर. इसमें आप टिन क्लोराइड को आपने कोड करना है तो टिन यहाँ ड्रॉ कर दें, टिन, और क्लोराइड को करना है कोड तो क्लोराइड के क्लोरीन यहाँ ड्रॉ कर दें, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन. सो दैट्स द टिन क्लोराइड व्हाट यू आर सेंसिंग, राइट. इसके अलावा यू कैन से दैट कि सल्फरस डाइऑक्साइड जो है एक गैस है. ये जब माउंटेन्स वगैरह जब वोल्केनो बर्स्ट करते हैं ना तब ये गैस निकलती है. तो इसमें आप सल्फरस डाइऑक्साइड को भी कोड कर सकते हैं, राइट. सल्फरस डाइऑक्साइड को भी आप इसमें कोड कर सकते हैं. सो यू कैन जस्ट से दैट, यू कैन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, राइट. लुक एट दैट. अब ये लॉन पेयर है और ये 2 ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर 10 की बजाय क्या लग जाएगा? सल्फर लग जाएगा. सो दैट्स रियली मेक्स द सेंस. और याद रखिएगा अब यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 120 नहीं होगा, लेस देन 120 होगा, ठीक है, लेस देन 120. और डेफिनेटली फिर ये जो है जगह इतने ज़्यादा ऑक्यूपाई की हुई है तो ये जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई इसने ही करनी थी क्योंकि लॉन पेयर है यहाँ पे और लॉन पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, ठीक है. उसके अलावा हम इसमें अब आते हैं Ab4 में आते हैं, ठीक है. मैंने इसमें आपको Ab3 में मैंने 2 एग्जांपल्स कोड की हैं. Ab3 में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स कोड की हैं विद लोन पेयर्स एंड विदाउट लोन पेयर्स. यहाँ लोन पेयर नहीं है, यहाँ लोन पेयर है. इसमें वी जस्ट नो अबाउट बट मोर एग्जांपल्स. और लेट्स गो फॉर Ab4 नाउ. अब Ab4 में आप किन एग्जांपल्स को फोकस कर सकते हैं? Ab4 में भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हम इस एग्जाम्पल कोड करते हैं जिसमें लोन पेयर नहीं है, ठीक है. सो कैन आई से दैट कि इसमें टोटल लोन इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 होंगे क्योंकि 4 एटम ने जुड़ना है ना इसके साथ, पॉलीवेलेंट एटम के साथ 4 एटम्स ने कंबाइन करना है. तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो चार ही होंगे, लेकिन अब क्या इज देयर एनी काइंड ऑफ लोन पेयर? तो हम अभी कहते हैं कि जी देयर इज नो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर चार के चार हैं और लोन पेयर नहीं है। तो अब इस जो मॉलिक्यूल होगा, इस तरह का जो मॉलिक्यूल होगा उसकी शेप कैसी होगी? तो उसकी शेप होगी टेट्राहीड्रल, राइट। ये आपने याद रखना है सब बच्चों ने, टेट्राहीड्रल शेप होगी। और इसमें आप मीथेन की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इसमें मीथेन जो घरों में गैस आ रही है, राइट, दैट इज़ मीथेन। तो आप मीथेन की इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं। इसमें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल कोट कर सकते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, राइट, SiCl4। इसके अलावा आप कार्बन टेट्राक्लोराइड सबने पढ़ा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को इसमें आप कोड कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसके अलावा आप इसमें बोरॉन, you can just say that as a boron tetrafluoride, right, you can just take it as an example, ठीक है। और इसके अलावा आप अमोनियम की एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, ठीक है, अमोनियम की एग्जाम्पल, अमोनियम +1, राइट, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया ना इसमें, बॉन्ड पेयर एक और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा सल्फेट की एग्जाम्पल को भी आप कोड कर सकते हैं, सल्फेट जो है दैट इज़ -2 चार्ज। तो इसमें जो बुक में एक्सप्लेन किया है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बुक में मीथेन को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मीथेन ओवर हियर। अब इसमें देखें कार्बन जो है, लेट्स से दैट कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सेंट्रल एटम है ए, और लेट्स से दैट सो दैट इज़ द केस। अब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, और इसमें याद रखिएगा ये तमाम एंगल्स होंगे दे आर अप्रॉक्सीमेटली 109.5, ठीक है, 109.5 डिग्री। ये भी क्या होगा 109. आपको थोड़ा लग रहा होगा, कम लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको जस्टिफाई करता हूँ ये। सो दैट विल ऑल्सो 109.5, ये भी क्या होगा 109.5। इधर आप क्योंकि चार बीज लगाने हैं आपने। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। ये देखें अब मेरा ये लेट्स से दैट मेरा पंच है जो कार्बन है, ठीक है, और लेट्स जस्ट मेक इट लाइक दिस, ठीक है। आपने इजिप्ट में पिरामिड्स का सुना होगा, ठीक है, इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। ये देखें ज़रा, अब आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये डिफरेंस है, आई थिंक देयर इज़ नो डिफरेंस। ये एंगल कितना है 109.5, ठीक है। अब ये एंगल देख लें, मतलब लेट्स से दैट कि ये बॉन्ड है, ठीक है, ये सेंट्रल मेरा जो पंच है दैट इज़ कार्बन, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन को लगा दें, ठीक है। तो 109.5 बाय एवरी एंगल यू कैन से दैट इट बिकम्स 109। तो वेस्पर थ्योरी मीथेन की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर रही है, और सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, और इसमें अब एंगल्स भी आपको बताए जा रहे हैं। सो दैट इज़ द क्यूरी, राइट। लेट्स जस्ट टेक माई मार्कर्स, ओके। सो let me draw this for you as well, so let me draw this for you, right, let me draw this for you like this, right, so that's the methane। अब आप हमेशा इसको ऐसे बनाते रहिए ना, स्ट्रेट सर्कुलर फॉर्म में, वो ईज के लिए टीचर आपको बनाकर ऐसे स्ट्रक्चर दे देता है, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है रॉन्ग, दैट इज़ द राइट स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बनाया है, दैट इज़ द राइट स्ट्रक्चर। तो आप सबको ये पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो दैट स्ट्रक्चर इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय वेस्पर थ्योरी 1940। दैट वाज ब्रिलियंट, राइट। सो दैट देयर वी हैव द एंगल, एवरी एंगल इज 109.5 डिग्री। अब आपको ये याद रखना है बात, ठीक है। सो इसी तरह टिन क्लोराइड है, सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम में भी चले, मैं आपको कहा था, मैं आपको बता देता हूँ। Even though there is no example quoted in the book, but I'll make you understand for this. Look at that. अभी जो लोन पेयर था ना, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें AB3 में एक्सप्लेन किया आपको अमोनिया, राइट। यू कैन जस्ट टेक इट ओवर हेयर, लोन पेयर है ना एक, यू कैन टेक इट ओवर हेयर, एक लोन पेयर, ओके फाइन। अमोनिया भी वी गोना टॉक अबाउट इन AB4, बिकॉज तीन बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर, गोना टॉक इट इन AB4 नेक्स्ट एग्जाम्पल में कोड करता हूँ इसको। लेकिन We just take off this lone pair और इधर भी हाइड्रोजन शेयर करवा देते हैं, कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड बनवा देते हैं। तो ये भी एंगल जो है 109.5 का होगा, क्योंकि लोन पेयर तो शेयर हो गया ना। इफ यू हैव लर्न द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड के द लोन पेयर इज बीइंग डोनेटेड बाय सिंगल एटम ओनली, यानी अब इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयन को, तो हाइड्रोजन आ जाएंगे सब यहाँ पे। अब हाइड्रोजन चूंकि वो लेकर नहीं आया इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं आया तो ये पूरा मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज होगा। सो आई विश आपको ये समझ में आ गई होगी। और इसमें अगर हम आगे चलते हैं, अब इसमें हम एक एग्जांपल, अब चार लोन पेयर, जब ऐसा करते हैं एक लोन पेयर बना लेते हैं और तीन बॉन्ड पेयर बना लेते हैं इसमें, ठीक है। एक लोन पेयर बन गया, ठीक है, एक लोन पेयर बन गया और तीन बॉन्ड पेयर बन गया। सो लेट्स मेक इट अंडरस्टैंड। अब इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा? द आंसर इज नॉट टेट्राहेड्रल, इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट, ट्राइगोनल पिरामिडल। Okay, let me use it blue. Okay, let me use it red. Trigonal black. Trigonal pyramidal. Pyramidal, right? So that's the answer. Trigonal pyramidal. और इसमें ट्राइगोनल पैरामिडल जो है दैट विल बी यूज। अब इसमें लोन पेयर आ जाएगा तो यू मस्ट रिमेंबर दैट कि जब ये सेंट्रल एटम है, लोन पेयर आ गया है। अब ये जो एंगल है जो अभी मैं आपको बता रहा था कि टेट्राहीड्रल में 109.5 डिग्री के हैं, अब ये लेस देन हो जाएंगे। लेस देन क्यों 109.5 होंगे? क्योंकि यू नो दैट लोन पेयर ने जगह घेर ली है, ठीक है। सो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अमोनिया की। लेट्स टेक इट एग्जांपल ऑफ अमोनिया। अमोनिया, राइट, अमोनिया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 electron pair and 4 electron pair. So 4 electron, AB4, that's central atom, polyvalent, lone pairs, right? And we're gonna say it in AB4, 1 lone pair and how many bond pairs? Yes, 3 bond pairs. So let's take it hydrogen over here. और ये angle कितना होगा? Less than 109.5 degree, right? Less than 109.5 degree, and that's we got over here. So let's take it example over here. यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? अमोनिया। अमोनिया इज गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ओवर हेयर। इसके अलावा हम लेंगे इसमें नाइट्रस ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। नाइट्रस ट्राइफ्लोराइड भी इसमें आप हिट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और इसके अलावा अगर आपने पढ़ा हो इसके बारे में फॉस्फीन गैस के बारे में, PH3 भी इसमें आ सकती है, ठीक है, PH3 भी आ सकती है। इसके अलावा आप अब देखें, लेट्स मूव टूअर्ड 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। Let's move ahead. Last example of this lecture. Let's take it over here. How many bond pairs? 2 bond pairs. And how many lone pairs? 2 lone pairs. ये देखें आप, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? Can you guess? अभी मैंने आपको बताया था. It's trigonal pyramidal, right? Trigonal pyramidal. ठीक है? ये हो गया हमारे पास. So let's erase this now. Let's go to another example. AB4 में एक और example क्या है? 2 bond pair, 2 lone pair. Okay, fine. So let's draw this. A 2 lone pairs and 2 bond pairs. So look at that. AB4, A 1B, 2B, 2 lone pairs, you know, bond pairs and 2 lone pairs. 4 AB4, right? So let's take an example. इसमें क्या hit होगा example में? इसमें आप ले सकते हैं water ले सकते हैं. Everybody knows about water. ये देखें, इसमें आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन शेड हो गया किसके साथ? किसी बी के साथ। बी में अभी आपको ड्रॉ करता हूँ। बी क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ना बी। ओके, लुक एट दैट, हाइड्रोजन। तो अब इसको क्या स्ट्रक्चर, क्या नाम देंगे आप? बेंट और एंगुलर कह देंगे इसको भी आप, ठीक है। ये भी बेंट है, जैसे पहले हमने बेंट और एंगुलर कब कहा था, याद है आपको? जब लोन पेयर आ गया था, ठीक है, इसमें AB3 में बेंट और एंगुलर। जब इसमें टिन क्लोराइड की एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, किसको बेंट और एंगुलर कहते हैं? वैसे ट्राइगोनल प्लानर इसको लेंगे आप। ये आधा होल ट्राइगोनल प्लानर ही होगा और ये आधा होल टेट्राहीड्रल होगा। टेट्राहीड्रल अगर थोड़ा सा लोन पेयर आ जाएंगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल सा हो जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे तो गना सेट एज अ बेंट और एंगुलर, बेंट और एंगुलर। So you can just say it like this. So water could be a good example of it. इसमें 2 lone pairs हैं और 2 bond pairs हैं। और इसके अलावा you can take it as एक और गैस जो पहाड़ फटने से निकलती है, या सल्फरस डाइऑक्साइड के अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बहुत ज़्यादा गैस निकलती है एट दैट टाइम। सो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो अब एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये है 104.5 डिग्री, यानी ये काफ़ी कम है। ये 109.5 से बहुत ज़्यादा कम है। अब ज़्यादा किसने ऑक्यूपाई कर ली है? लोन पेयर ने। तो 104.5 डिग्री है, ये जगह जो है ऑक्यूपाई की गई है, ठीक है। सो देयर वी हैव दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। इसके अलावा आप हाइड्रोजन सेलेनियम हाइड्राइड को ले सकते हैं AB4 में, जिसमें हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, और टेलूरियम हाइड्राइड को भी ले सकते हैं, ठीक है, TeH2, और इसमें भी आपके पास 2 लोन पेयर्स होंगे और 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे, और में 104.5 का एंगल होगा। ये एंगल्स याद करना ज़रूरी है, बोर्ड में एंगल्स का भी एक MCQ बन के आ जाता है, क्योंकि एंगल्स जो हैं अगर आपने याद किए होंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल, और एग्जांपल्स भी ज़रूरी हैं, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर का थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। तो वेस्पर थ्योरी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है, और अब हम ज्योमेट्री के बारे में भी थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। सो रियली विश कि आपको इस लेक्चर में पता चला होगा कि वेस्पर थ्योरी क्या है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।